कितने प्रतिशत भारतीय को लगता है कि हार्दिक पांड्या ने उड़ता हुआ तीर अपनी गांड में ले ली? तो क्या चल रहा है? जी हाँ, कॉफी विद करण में हार्दिक पांड्या ने कॉफी से अपनी जीभ में अपनी गांड ला ली और हार्दिक की भाई ने शो के शुरुआत में ही ऐसी बात कह दी जिससे कि पूरी इंडिया उनकी कह के लेने लगी। विराट और सचिन द बेटर बैट्समैन। विराट मरना क्या भोसड़ी के, आठ चाहे जितना बड़ा हो जाए लाड़ के नीचे ही रहता है। बड़े बड़े क्रिकेटर सचिन के पैर छूते और तुमने विराट का नाम ले लिया? सचिन सबका बाप है। हार्दिक ने लड़कियों के बारे में ऐसा क्या कह दिया जिससे कि ये कांड इतना बड़ा हो गया? What are you exactly talking and I want to know? It's not talking, it's just watching how they move. As I said, I'm little from black side, no, so I have to see how they move. तेरी माँ की आँख। But about everything. When they I lost know all about virginity, when I lost virginity only I can lose. So I lost. I told them. I said, आज कर क्या? My parents are watching. सुनो भोसड़ी के, सुबह सुबह ना मूड तो खराब करो मत, ठीक है? इस स्टेटमेंट के बाद मेरा क्या सबका एक ही रिप्लाई है, बहुत गर्मी है, चकला पे बिठा दे। ऐसी फैमिली मैंने 1999 में हम साथ साथ हैं में देखी थी, लेकिन इनकी फैमिली हम साथ साथ हैं से दो कदम आगे नहीं 22 कदम आगे है। My mother only used to, so I used to always carry. So the biggest family I've ever met. तुमसे ना हो पाएगा। अगर हमारे गर्लफ्रेंड के बारे में हमारे घर में पता चल जाए तो हमारी फटके 74 नहीं 76 हो जाती है, लेकिन भाई की फैमिली तो यार बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। इन सबके बीच बलि का बकरा बना केएल राहुल, जिसका इस शो के बाद एक ही रिप्लाई था। जब हार्दिक से पूछा गया कि आपकी पिकअप लाइन क्या है तो हार्दिक ने कहा मेरा नाम ही काफी है। My parents are sitting and I was like, they're like, अच्छा तेरा वाला कौन कौन है? Actually, I said with them and I'm like, ये. मतलब सबके साथ कुछ ना कुछ रहा है मेरा। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। भाई पिछवाड़े में कौन सी खुजली हो रही थी या सस्ते नशे करके आया था कि नेशनल टेलीविजन पे संपूर्ण संभव कथा सुना दी? अगर उस राज जगन्नाथ की पूजा हो गई होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता और महापुरुष ने चीयर लीडर्स को भी नहीं छोड़ा। इस सारे कर्म कांड के बाद भाई के पापा ने कहा, अंकल जी अब क्या फायदा, भाई के तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।